सोमवार यानी 3 जून 2024 को खबर आई कि महाराष्ट्र की नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व सीनियर सिस्टम इंजीनियर को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में ओएसए यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 और 5 और आईपीसी की कई धाराओं के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और साथ ही में 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी कोड गेम्स के जरिए ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी जानकारी आईएसआई को भेजता था। साल 2018 में आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी। आरोपी का नाम है निशांत अग्रवाल, शिक्षा इंजीनियरिंग, एनआईटी कुरुक्षेत्र से गोल्ड मेडलिस्ट, मेधावी छात्र, बेहतरीन इंजीनियर और यंग साइंटिस्ट का अवार्ड। लेकिन इन सब के ऊपर है देश से गद्दारी का तमगा। इस गद्दारी की कहानी सुनाएंगे आपको और इस कहानी में हंटरैप, फेसबुक की दोस्ती और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के किस्सों का जिक्र होगा और इस जिक्र में एक तार जाकर जुड़ता है रीवा के छोटे से गांव मंडवा से। कैसे, जानेंगे इसके बारे में आज के इस एक्सप्लेनर में। उससे पहले मैं हूं स्वर्णिमा और आप देख रहे हैं शब्द सांची। 17 सितंबर 2018 को उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने बीएसएफ के एक सिपाही को नोएडा से गिरफ्तार किया। आरोप था पाकिस्तान को सेना की गुप्त जानकारी लीक करने का। आरोपी का नाम था अच्युतानंद मिश्रा, पता मध्य प्रदेश के रीवा का छोटा सा गांव मंडवा। गिरफ्तारी के 4 महीने पहले से उत्तर प्रदेश एटीएस अच्युतानंद पर नजर रखे हुए थी क्योंकि चंडीगढ़ की मिलिट्री इंटेलिजेंस इकाई से खबर मिली थी कि पाकिस्तान की आईएसआई फेसबुक पर फेक प्रोफाइल्स बनाकर मिलिट्री के लोगों को फंसा रही है। जब अच्युतानंद की गिरफ्तारी हुई और जांच बैठी तो कुछ चीजें निकल कर सामने आई। नंबर एक, साल 2016 से एक फेसबुक प्रोफाइल से अच्युतानंद का कनेक्शन था जिसकी लोकेशन पाकिस्तान में थी। नंबर दो, ये फेक प्रोफाइल एक लड़की के नाम से थी यानी हनी ट्रैप। तीसरा, इन चैट्स में इंटीमेट बातें भी की गई थी और इन चैट्स के जरिए सेना के मूवमेंट और अन्य ज़रूरी गतिविधियों की जानकारी अच्युतानंद पाकिस्तानी दोस्त को इनबॉक्स में बता रहा था। पाकिस्तानी दोस्त इसलिए क्योंकि इसी नाम से नंबर सेव था और लड़की ने, या यूँ कहें कि आईएसआई ने अपनी पहचान डिफेंस रिपोर्टर की बताई थी। इतना ही नहीं, अच्युतानंद ने अपनी वर्दी पहनी हुई फ़ोटो भी भेजी थी जिसकी सख्त तौर पर मनाही है। जब एटीएस ने गिरफ्तारी की तो इन्होंने अपने गुनाह को कबूल लिया। जांच आगे बढ़ी और इसी दौरान एक और बात का खुलासा हुआ। आईएसआई फेसबुक पर इसी तरह की फेक प्रोफाइल्स बनाकर 90 से ज़्यादा हिंदुस्तानियों से जुड़ी हुई थी और इसमें से 10 प्रोफाइल्स की लोकेशन ट्रैक हुई नागपुर में। इसी जांच में निशांत अग्रवाल की गिरफ्तारी की गई जिन्हें अब उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। निशांत अग्रवाल के पर्सनल लैपटॉप पर कई ऐसी पीडीएफ फाइल्स मिली थी जिसमें उनके काम से इतर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी ज़रूरी जानकारियां थी और सेना से जुड़े गोपनीय जानकारियों को घर लाना गुनाह है, इसी में ओएसए लगाया गया है इन पर। निशांत अग्रवाल फेसबुक में 2 प्रोफाइल से बात करता था, एक का नाम पूजा रंजन था और एक का नेहा शर्मा। दोनों की ही प्रोफाइल्स की लोकेशन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ट्रैक की गई थी लेकिन दोनों ने अपनी लोकेशन लंदन और शिकागो बता रखी थी। ऐसी आशंका है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने एक हनी ट्रैप प्लान किया था। निशांत को अमेरिका में नौकरी दिलाने का वादा भी किया गया था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या विदेश में नौकरी की कीमत देश के साथ गद्दारी है, और अगर है तो कितना छोटा ईमान और कीमत लगाई होगी निशांत अग्रवाल ने। बहरहाल, जिस मिसाइल ब्रह्मोस का डाटा लीक हो रहा था, थोड़ी जानकारी उसके विषय में भी दे देते हैं। डीआरडीओ के मुताबिक ब्रह्मोस एक संयुक्त उद्यम कार्यक्रम के तहत भारत और रूस द्वारा विकसित दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल है। भूमि, समुद्र, पानी के नीचे और वायु प्लेटफॉर्मों से प्रक्षेपण के लिए त्रुटिहीन एंटी शिप और लैंड अटैक क्षमता वाले यूनिवर्सल ब्रह्मोस वेपन सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। ब्रह्मोस का भूमि से भूमि, भूमि से समुद्र, समुद्र से भूमि, समुद्र से समुद्र, उपभूमि, हवा से समुद्र और हवा से भूमि विन्यास में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसकी किसी भी तरह की जानकारी भारत के लिए नुकसान और दुश्मन देशों के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकती है।
ये था इस मुद्दे पर पूरा वीडियो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के और भी कंटेंट के लिए बने रहिए शब्द सांची के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।